हम हिंदुस्तानी बोलचाल में खर्चा पानी शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बड़े नोट खत्म होने के कारण खर्च की दिक्कत आई, नमक की अफवाह ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया और पानी भी खतरे में है। अब तक गर्मियों में जल संकट, कई राज्यों में सूखा, कावेरी नदी के विवाद ही पानी के खतरे बता रहे थे। अब पंजाब जैसे राज्य में भी पानी पर विवाद शुरू हो गया है। यह सचमुच भयावह समय है जिसमें एक ऐसे राज्य में पानी राजनीति का मुद्दा बना है जिसका नाम ही पांच नदियों के कारण पंजाब पड़ा। विवाद सतलुज यमुना संपर्क नहर यानी SYL का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सतलुज यमुना संपर्क नहर लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के बीच तीखे विवाद का विषय रही है। यह नहर दोनों राज्यों के बीच हुए जल समझौते की देन है, लेकिन पंजाब की अनिच्छा के कारण नहर का निर्माण कार्य लटका रहा। आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिशें नाकाम हो गईं तो मामला अदालत में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर पर निर्माण कार्य को जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से पंजाब सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि मामला पानी से ज्यादा भावनाओं का बन गया है। इस मामले में पंजाब में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबका रवैया एक जैसा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी यह जोखिम मोल लेना नहीं चाहती कि वह पंजाब के हितों पर समझौता करती नजर आए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि वह अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन पंजाब का पानी किसी भी राज्य को नहीं देने देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्हीं की तर्ज पर राज्य के कांग्रेसी विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ दी। त्याग का यह खेल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रचा गया है, ऐसा विपक्षियों का आरोप है। वर्ष 2004 में पंजाब ने समझौता निस्तारीकरण अधिनियम बनाकर तमाम जल समझौते रद्द करने की घोषणा की थी। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि समझौते को एक पक्षीय तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। जनवरी 2002 में भी अदालत ने पंजाब को SYL का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ पंजाब की अपील भी अदालत ने खारिज कर दी थी। यह संयोग है कि जब अमरिंदर सिंह सरकार ने 2004 में जल समझौता रद्द करने का एकतरफा कानून बनाया था, तब पंजाब के साथ ही हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी। फिर भी दोनों राज्य आमने सामने हो गए थे और केंद्र मुखदर्शक बना रहा था। इस बार फिर वैसी ही हालत है, जब पंजाब की सरकार में भाजपा साझेदार है और हरियाणा में तथा केंद्र में भी उसी की सरकार है। हरियाणा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वर्ण जयंती वर्ष का तोहफा बता रहा है, लेकिन पंजाब में नदी और राजनीति दोनों में ही उबाल आया है। देखना है कि यह पानी किसे डुबोएगा और किसे पार लगाएगा। लेकिन दुख होता है जब सदानीरा नदियों के प्रदेश में पानी पर राजनीति होती है। सच ही कहा है कि पानी में अक्स और किसी आसमां का है, ये नाव कौन सी है, ये दरिया कहां का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।